हरे कृष्णा। सो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये आप पूरा ब्लॉग देख पाओगे, अगर किस्मत अच्छी नहीं रही हमारी तो आपको सिर्फ आधा ब्लॉग देखने को मिलेगा, उसके बाद की कहानी क्या हुई थी आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सो लेट्स सी ये ब्लॉग कहाँ तक पहुँचता है। दौड़ दौड़ भागा भागा सा। हरे कृष्णा। तो जैसा मैंने बताया आपको, हो सकता है आपको ये ब्लॉग समझ ही ना आए, हमें भी नहीं समझ आ रहा इसको कैसे बनाएं। तो अभी हम टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं, टर्मिनल 1 से हमारा डिपार्चर टर्मिनल 2 पे है, लेकिन हमने गाड़ी खड़ी करी है टर्मिनल 1 पे। उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन मैं आपको बता नहीं सकता, वो रीजन तब बताऊंगा जब हम बताने वाली हालत में होंगे। अभी बस इतना हिंट दे सकता हूँ बस कि हमने टर्मिनल 1 पे गाड़ी क्यों खड़ी करी है, क्योंकि टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 7 किलोमीटर है, इसलिए हमें गाड़ी करके दोबारा जाना पड़ रहा है। चलो चलो चलिए चलो चलिए चलो नंदरानी फास्ट फास्ट फास्ट। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ पर जा रहे हैं? नागपुर। हमारा नागपुर में शो है। ये कौन है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है। गोपी। और आज हम निकले हैं यहाँ से दिल्ली से। हेलो। हरे कृष्णा। आपने पहचान लिया मास्क के अंदर भी? पहचान लिया। मैंने कहा था ना मास्क बड़े वाला पूरा से मुंह कवर करके। तो हम जहाँ से गए थे वहाँ से वापस आए, फिर वहाँ को जा रहे हैं बेसिकली। अभी टर्मिनल T2 पे जा रहे हैं हम। तो पहले हम T2 पे गए थे गाड़ी पार्क करने, फिर मुझे पता लगा कि T2 से T1 7 किलोमीटर है। अगर मैं T2 पे खड़ी करूँगा गाड़ी तो वापस आते हुए मेरे को 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बिकॉज हमारी जो लैंडिंग है वापसी की वो T1 पे है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मुझे पता है कि आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आएगा भी नहीं जब तक ये पूरा ब्लॉग भगवान की कृपा से सक्सेसफुल ना हो जाए। तो प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा ब्लॉग नहीं, ये हमारी जर्नी सक्सेसफुल हो जाए, तभी आप पूरा ब्लॉग देख पाओगे। तो समझ आया? नहीं आया ना? या तो ये आधा ब्लॉग होगा या फिर पूरा देख के आपको समझ में आएगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। तो पहले हम टर्मिनल ये बंद है ना, टर्मिनल 2 बहुत बॉक लगा। एज पर वो प्लान आज हमारे पास लगेज नहीं है, पता आज हम सिर्फ हैंड कैरी कर रहे हैं और तब भी हम कॉन्सेंट कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चक्कर क्या है? नंदरानी। हाँ वैसे बात सही बोल रही है, तो सबसे ज्यादा इसी के बैग होते हैं, 5-6 बैग तो इसी अकेले के। हाँ तो हमने हमारे जो बैंड के कपड़े वो भी आज हैंड कैरी किए हैं और हम लगेज नहीं लेके जा रहे ताकि हमें बहुत सारा टाइम बचाना है इस बार। दौड़ दौड़ भागा भागा सा। सही पर सारी प्लानिंग रिवाइज करके हम निकल पड़े हैं चेकिंग के लिए। आज हमें गाना भी रिलीज करना है, हमारा भजन रिलीज होना है वीडियो। तो जैसे ही हमारा सिक्योरिटी हो जाएगा ओके बाद में बैठूंगा, भागते भागते हम गाने रिलीज करते हैं, देख लो आप सबके लिए। दो पी प्रेम हमारा है, आज हमारे कीर्तन में जा रही है। हरे कृष्णा। हम बस गए, हमारा सिक्योरिटी हुआ थैंक्स टू जो वहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे हैं। मेरे बैग में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि जैसे लिक्विड था, छोटे छोटे जेल वाले ज्यादा क्वांटिटी में थी और हम हैंड कैरी कर रहे हैं सारा सामान लगेज लेकर जा रहे हैं। उन्होंने को रिक्वेस्ट किया कि नंदरानी को दांतों में लगाना था, उसको दर्द हो रहा था, उसके लिए पाउडर है, तो फिर उन्होंने इसको ले जाने दिया। थैंक यू सो मच। आज है 23rd और आज हमारा होने वाला है वीडियो रिलीज, उसके लिए बाव इज वर्किंग। बाव थे फास्ट पे, कुछ ज्यादा फास्ट हो गया अभी। देखो छोले भटूरे। भटूरा थोड़ा रबड़ दे सर। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो तेरे को मैंने क्या बोला था, क्या खाने को मेरा मन कर रहा है? I know. बताई बताई जी। Already got to know. पहले बता क्या बोला था? आपने बोला था मुझे छोले भटूरे खाने। वो पता क्या आया खाने? निशान प्रभु से मैंने अभी फोन करके पूछा कि क्या है प्रसाद में, तो उन्होंने बोला छोले भटूरे। मैंने मन में एक बार फिर से ऐसे बोला था वृंदावन को याद करके, पता नहीं क्यों मेरे छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है वृंदावन, लेकिन मेरे को बाद में आया कि बार बार हर चीज के लिए वृंदावन का नाम नहीं लेना चाहिए। पर सच में छोले भटूरे आ गए और हम फास्टिंग पे थे। अरे फास्टिंग के अंदर भगवान का प्रसाद आया, इसको मना नहीं कर सकते, खाना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, खाना ही चाहिए, मानता ही चाहिए। तो छोले भटूरे ऑन द हाउस। हरी बोल। तो मत खाओ ना, मत खाओ भाव, ये भगवान का प्रसाद है। और देखो हरी ने यहाँ भी ढूंढ लिया अपने लिए, और हरी बड़ा उस झूले में बैठ भी नहीं पा रहा, सिर लग रहा है। यू कैन ओनली वेट फॉर हिम टू कम आउट। सो हम इतनी मेहनत करते हैं तो जल्दी जल्दी भाग भाग के आते हैं और यहाँ पर आके हमारी फ्लाइट लेट हो जाती है, 2 घंटे लेट होगी फ्लाइट। 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, खैर हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता। यस डिवोटीज नेवर वेस्ट देयर टाइम। हमें टाइम मिला तो हम यहाँ चैंटिंग कर रहे हैं बैठ के। फ्लाइट आ जाएगी जब आनी होगी, हम पहुंच जाएंगे जब पहुंचना होगा। लेकिन काश ऐसा कल ना हो, काश कल क्या ना हो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन काश ऐसा कल ना हो बस। भगवान जी ध्यान रखना प्लीज। सो फाइनली 2.5 घंटे के बाद हम बैठ गए हैं, वे रेडी टू फ्लाई। हरी बोल। हरे कृष्णा।
पूरे डेढ़ घंटे के बाद हम नागपुर पहुंच जाएंगे, तब तक मेरे पूरे 16 माला हो जाएंगे। अरे कृष्णा, इससे हम झटपट ठू ठा बैठ गए जल्दी से गाड़ी में, के अंदर आ गए सीधा गाड़ी में। तो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है होटल का, होटल में जाके देखेंगे कि भैया होटल में हमें बिना प्याज लहसुन का मिलता कि नहीं मिलता, नहीं तो हमें बाहर से किसी प्योर वेज रेस्टोरेंट से ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। हाय गाइस, हम पहुंच गए होटल। पहली बार आई है मधुरी, इनका नाम हमेशा मैं उल्टा देता हूँ, क्या नाम है? गोपी प्रेमा। गोपी प्रेमा कृष्णा लास्ट पंकु। पंकु तेरे पास कमेंट आया, पहली बार हमने जिसको बोलते देखा भी। हाँ, नहीं तो हर वक्त आंखें से चढ़ा के ऐसे ऐसे मुंह बनाता रहता है। हाँ देखो बोलता है, बोल किसने? एक्चुअली इसकी बीवी नीना ही बेचारा मिस करता है इसलिए। और इनकी बीवी नहीं आई और देखो कितने खुश। कुछ होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहाँ रहती है वो। अरे बोल, कुछ भी नहीं है ये, देखो ये पूछ रहे पंकु से और इसके पास कुछ भी नहीं होता। दिखाओ पंकु अपना आधार कार्ड की एक फोटो, दिखा दे आज बस। कौन है ये? क्या दिखाएगी? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब बस जल्द से जल्द रूम के अंदर चेक इन करके हम सोने लगे, आप काम करेंगे। वेरी नंदरानी, तो ये हमारी बुखड़ नंदरानी। चल है तो बुखड़ी पपाया खा रही, सिर्फ हम होते हम बुखड़ नहीं है, हम तो चावल पनीर ये सब खाते हैं, बुखड़ तो होते आते हैं पपीता ऑर्डर कर रही है। हरी आपकी माला होगी, चलो जाके हरी नीम का पत्ता डाओ। नहीं हुई, अरे जल्दी करो, आपको इवेंचुअली खाना तो पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, जल्दी करो। तो हम ट्राई कर रहे हैं नीम के पत्ते, हरी को स्किन पे थोड़ी सी कुछ व्हाइट व्हाइट सा हो रहा था, तो नीम के पत्ते खाने से वो साफ होता। चलो इतने सारे पत्ते खाओ, चबाओ फटाफट, प्लीज पपाया चाहिए, उसको डालो, उसको साथ में डालो, अब बाहर निकालो, हरी अंदर मुंह में डालो, अंदर मुंह में डालो, डालो हरी, स्टॉप दिस, फटाफट से खाओ, ओनली पपाया चाहिए, चबाओ उसको, मैंगोज हैं आपके पास? अच्छा चबाओ, चबाओ, ओनली पपाया, आई नीड हरी प्लीज। लेकिन और आपके पास फ्रूट्स में क्या है? पानी दो, जल्दी पानी पुनी निकाल दो अंदर, हरी चबाना, इसको चबा के जूस अंदर जाएगा, फायदा नहीं, किसी काम का नहीं है। हरी आर यू लिसनिंग टू मी? इसको चबाओ, पानी पियोगे तो स्वीट लगेगा। कैसा था हरी? पानी स्वीट लग रहा है? चलो एक पत्ता और खाना, एक पत्ता और खाना पड़ेगा हरी, आपने चबाया नहीं अच्छे से। ओए हरी खबरदार, उल्टी छुल्टी का काम किया तो। ओके ड्रम बजाए, हरी डोंट थिंक, उसके बारे में सोचो मत प्लीज। सुनो उल्टी करने का बड़ा कीड़ा, उल्टी करते हैं, डेंटिस्ट। अरे इट्स नॉट अ जोक रिचर्ड। अच्छा जा जा जा, कर ले कर ले, हरी कर दे नहीं, लेकिन हरी आप फील मत करो ना, इट्स ओके, ये देखो सब निकाल दिया, वेरी गुड हरी, यही तो नीम का कमाल है, सब कुछ बाहर निकाल देता, पेट साफ कर देता। पेट सफाई मैं नहीं साफ कर रहा, बट लेकिन क्यों नहीं कर सकता? कोई साफ करने वाली चीज है वो अपने आप धीरे धीरे चली जाएगी, वो नहीं जाएगी क्योंकि थिक है वो। हाँ तो थिक है तो फिर खा ले तू। मैं पागल हूँ, तू साफ कर ले, मैं देखना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे साफ, मैंने इसकी टट्टी नहीं साफ करी इतनी बारी पापा। अच्छा नहीं करी? नहीं नंदरानी, तू देख ले, सोच ले, सोच के बोल ले, मैं देखो ऑन रिकॉर्ड है, सोच लिया, मैंने नहीं करी कभी। कैसे साफ की है? बचपन में, मतलब वो तो सभी करते हैं, अभी वाली तो अभी अभी करे तो क्या साफ करूंगा ना, तो एक्साइटमेंट में। आजा आजा भाव, ये वाला करो साफ, मैं नहीं करूंगा भाव प्लीज, इसके लिए रूम सर्विस नहीं करूंगा। नंदा हरिचरण, कल फास्टिंग करोगे, नीम का पत्ता खाओगे? तो बेसिकली हरी नीम की पत्ती खा के हरा हो गया, इसको अपने बोलते हैं या तो फास्टिंग से ठीक हो जा, ये कहता नहीं मैं खा लूंगा और मैं नीम का पत्ता खा लूंगा, इसको लगा नीम का पत्ता मतलब ओ क्या पत्ता ही तो है, सिर्फ पत्ता है तो है। हाँ जी हरी, कल दो पत्ते दुबे सुबह खाने हैं, दो पत्ते शाम को, ठीक है? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी से तैयारी शुरू हो गई है, बिकॉज हमारा कल शो सुबह के टाइम पे है, विच मीन्स सुबह तो खाने पीने के जो शॉप नहीं करते, अब खाने के चक्कर में टूट पड़ रहे हैं। नंदरानी तो ऊपर ही भाग गई है अपने भाई के रूम में, पंकु के रूम में, क्योंकि पता लगा पंकु का खाना आ गया, मेरे यहाँ थोड़ी सी खिचड़ी आई थी और वो सारी गप करके भाग गई नंदरानी और हरिचरण, और मैं पीछे पीछे उनके रूम में जा रहा हूँ उनके ऊपर रेड मारने के लिए, क्योंकि उसके उसके रूम में आया दाल मखनी पनीर जो मैं छोड़ने नहीं वाला, फिर मैं वापस आके मेरे रूम में जो मैंने दोबारा से खिचड़ी मंगवाई है, क्योंकि मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है,
ताकि वो मुझे देख ना पाए बाहर में, इसलिए मैं छुपा दिया। ओए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? नंदरानी वो खड़सी ना हो तो पिछड़ मुझे भी खाना। अरे तो मिले नहीं ना, मना देना ना, इनका ऑर्डर आया नहीं ना। कैसा टेस्टी है? ओ बाप रे सर, ओ बाप रे। ओहो बस हां हां। तो एक बार फिर मैं अपने रूम में आ गया हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ खिचड़ी आने की, और 11:30 बज रहे रात के, और सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के साउंड चेक करना है। जब हम बहुत ट्रैवल करते हैं तो मेंटली एक्टिव रहता है माइंड, बॉडी थकी होती है तो बड़ा अजीब सा स्टेट ऑफ माइंड होता है, तो उसको कुछ खाने का भी मन करता है। जब बंदा ऐसी स्टेट में होता है, बंदा कहता है चलो खा लो थोड़ा सा, फिर खाने के बाद थोड़ा हैवी लगता है, फिर बंदा कहता है मैंने क्यों खा लिया, क्या जिंदगी है ना, मोह माया। इसमें आइसक्रीम है, दाल भी लेके आएगी वहां से उठा के, नंदरानी चोर कहीं की। तो कंफर्म्ड है रात के 12 बज गए, तो यहाँ खिचड़ी पार्टी चल रही है। खिचड़ी सबसे बेस्ट, कैसे हो? बहुत टेस्टी। ये हमारे मैनेजर साहब है निंद्रा विजय दास। इसके बाद गुड नाइट है, इसके बाद कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, अपन सो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम तैयार होने वाले हैं, 8 बज रहे हैं सुबह के, और हमारा परफॉर्मेंस आज बहुत जल्दी है, गेस व्हाट, 10:30 बजे, 2 घंटे के अंदर हमें तैयार होना है, 10:30 बजे हमें परफॉर्मेंस करना, ताकि हम अपना परफॉर्मेंस 1:30 बजे तक खत्म कर पाए। आज ये बहुत जरूरी है हमारे 1:30 बजे को खत्म करना। क्यों जरूरी है? जैसे मैंने आपको बताया, मैं तभी बता पाऊंगा जब सब कुछ ठीक हो जाए। हम जा रहे हैं अभी साउंड चेक के लिए, मैं आ रहा हूँ। तो हम पहुंच गए जहाँ पर हमारा इवेंट है, मुझे आवाज आ रही है मेरे बैंड मेंबर्स की। चलो चलो जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हमारा साउंड चेक काम ने सबसे ज्यादा कम समय में आज किया। नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द होटल, गेटिंग रेडी, 15-20 मिनट्स वी हैव टू कम बैक। चलो क्विक क्विक क्विक, शाबाश, आज भागम भाग है, भागो भागो भागो, चले। हम चाहते हैं कि धमाल भी हो और हमारा इवेंट टाइम से खत्म भी हो, बिकॉज मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले तो ये व्लॉग नंबर 1 ही है, आधा व्लॉग बाद में डिसाइड करेंगे दिखाना है कि नहीं दिखाना। चलो बस ठीक है गाइस, जल्दी से 10 मिनट हमारे पास, तैयार हो जाओ। आज कृष्णा की हमें स्पेशल हेल्प चाहिए, वैसे तो हमेशा करते हैं लेकिन आज ज्यादा चाहिए। हरी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी कपड़े उठाओ फटाफट, उठाओ उठाओ फटाफट। हमारी रेगुलर ड्रिल होती है कि नंदरानी हमारे सबके कपड़े संभालती है बेचारी अकेली, पर आज और भी जल्दी हो रहा है इसलिए फट 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 फट। द गर्ल्स आर रेडी। हरे कृष्णा। आज नंदरानी कितने मिनट में रेडी हो गए? तो आज बहुत जल्दी हुई, टाइम नहीं चेक किया, कम टाइम चेक करने का भी टाइम नहीं। जनरली जितने में होती है उससे कम से कम 2 घंटे कम में हुई रेडी। चलो क्विक हेल्प, तो सारे लोगों के नाम है शहर होंगे। इस होटल में हम दोबारा नहीं आएंगे, हमने सारा सामान अपना वापस ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे। हमारे जितने भी लगेज हैं उसको हैंड कैरी है सारे, वो सब गाड़ी में ठूस ठूस के तैयार होकर हम सीधा वेन्यू पर जा रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए। स्पीड से साउंड चेक के लिए आते हैं उससे ज्यादा स्पीड से हम वापस भाग रहे हैं। तो हम स्टेज पर आ गए हैं और अब हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑडियंस का, प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी जल्दी आ जाएं, अगर कोई नहीं आया तो भी स्टार्ट कर देंगे। और दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी, उसके बाद हमें धूम धड़ाका करना है, हमने कीर्तन करना डांस वाला। आज हमें कॉस्ट्यूम जल्दी से क्विकली चेंज करने होंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी है। कॉस्ट्यूम चेंज करके फटाफट से दूसरे कॉस्ट्यूम पहननी होगी बिकॉज बहुत गर्मी है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने वाली है बिकॉज बहुत गर्मी है। और ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज वो नहीं बता सकती।
हमारा आज का इवेंट पूरा हो गया और हमें भागना है। कहाँ भागना है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कैसा लगा आपको आज का इवेंट? मजा आया? बहुत बहुत। नाउ बिगिंस पार्ट टू। धीरे धीरे रिवील करूंगा और ये पार्ट टू हम तभी पूरा करेंगे जब ये हो पाएगा। सो वी आर रशिंग टू द एयरपोर्ट। सो नागपुर के लोगों को बहुत बहुत आनंद आया। यह फैमिली है, हराठी फैमिली एंड तपाड़िया फैमिली, दे ऑल एंजॉयड इट एंड वी आर वेरी हैप्पी। स्पेशली जो कपल है उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मतलब वो हमें बार बार बोलते थे इधर आ जाओ हम डांस करेंगे। बिल्कुल सब एवरीबॉडी वाज मैड एंड डांसिंग ऑन कृष्णास ब्यूटीफुल नेम्स। एंजॉयड इट। वी आर गोइंग बैक टू द एयरपोर्ट और हमें सिर्फ आधे घंटे में फ्लाइट कैच करनी है। दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ द होल एडवेंचरस जर्नी टुडे। और वो क्यों करनी है वो भी आपको पता चलता रहेगा। बट हमें पहुंचना है हर हालत में, क्योंकि फ्लाइट मिस होगी तो बहुत बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। बट मज़ा बड़ा है इवेंट में आज, कमाल धमाल होगी। और नंदरानी ने कैसे यहाँ रेस्टरूम में वॉशरूम में कपड़े चेंज करें, कैसे लाइन को तोड़ते हुए इधर उधर से निकलते हुए सबसे रिक्वेस्ट करते हुए हम सिक्योरिटी अंदर आए, उसकी वीडियो शूट करना असंभव नहीं था। फाइनली वी आर एट द गेट। अभी गोपी बता रहा है कि 20 मिनट हैं फ्लाइट को आने में। लेट्स होप वी रीच ऑन टाइम। हमें वृंदावन टाइम से पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं पहुंचे 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक, यानी दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ी पर जाएंगे वृंदावन, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हैव टू रीच वृंदावन। कृष्णा प्लीज मेक इट हैपन। भगवान की कृपा से हम ऑन टाइम हैं, बच गए। अभी आपको पता नहीं हम किस लिए बच गए, पर होपफुली बच जाए आगे भी। अभी हमें दिल्ली से वृंदावन पहुंचना बहुत जरूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रात के 9 बजे से पहले पहले। सो कृष्णा इट्स नॉट ओवर येट, बट अभी मेरे को सोना पड़ेगा क्योंकि ड्राइव करनी है। आई वांट टू स्लीप। हरे कृष्णा। गुड नाइट। राठी परिवार आज यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, इतना ज़्यादा एंजॉय किया कुछ कहते। हमारे लिए मील्स बुक करके रखे थे ना पहले से, कैश बदाम और खाना। पूरा बैंड में से कोई खा भी नहीं पाया ठीक से। नंदरानी ने कुछ भी नहीं खाया था। शेक मिला है, बादाम मिले हैं। थैंक यू सो मच। पाँच हो गए, फ्लाइट एकदम ऑन टाइम थी। थैंक यू सो मच कृष्णा। हमेशा फ्लाइट्स हमेशा लेट होती हैं और लैंड करते हमें भागना है डायरेक्ट। हम गाड़ी में जाके बैठ के क्यों वृंदावन, हमें हर हालत में 9 बजे तक वृंदावन पहुंचना है। इट वाज स्मूथ लैंडिंग एंड नाउ लेट्स होप अवर दिल्ली टू वृंदावन ट्रैवल विल बी एज स्मूथ एज दिस लैंडिंग। और नंदनी का दांत फिर से दर्द होने लग गया, सर ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए। जल्दी जल्दी सामान उतारो फटाफट, जल्दी गोपी रवि हरी जल्दी आओ बेटा, नंदनी कहते चलो फटाफट से, चलो चलो क्विक क्विक क्विक। हमारा उस लगेज हमने जान के नहीं लिया था ताकि हमें यहाँ रुकना ना पड़े, नहीं तो एक घंटा और लग जाता डायरेक्ट बाहर। जल्दी बैठ के सारे बैठो बैठो। चलो श्री नरसिंह देव भगवान की जय। तो हम फाइनली गाड़ी के अंदर सेटल हो गए हैं, कुछ एज पर प्लान चल रहा है। ये है हमारे सारथी, हमको सब जगह लेके जाते हैं भगवान जी, इनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। और बस हमें जल्दी से 9 बजे तक पहुंचना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स डू इट। नीलेश कितना टाइम लगेगा अभी? और एक घंटा है, 7 बज रहे हैं, 7 प्लस 1 8 बजे पहुंचने वाला है, 8:15 तक। वाह भगवान ने कमाल कर दिया है, हमको लग रहा था कि 9 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे और एक घंटा पहले पहुंच रहे हैं। सर थक तो गए हैं सारे, थोड़ी ड्रेन एनर्जी, लेकिन 9 बजे से पहले हमारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था, तो लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। तो दैट मीन्स ये ब्लॉग भी जरूर पूरा दिखाएंगे आप, और आपको ये भी बताएंगे कि 9 बजे हमने वहाँ क्यों पहुँचना है। तो आप सबको ये जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी, बहुत प्रसन्न है कि हम 8 बजे वृंदावन धाम में पहुँच गए, अभी टेंशन खत्म। लेकिन आप सभी टेंशन में हो कि चक्कर क्या है, ये तो घर आए वापस अपने वृंदावन में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी आपको बताया कि हमें किस चीज़ की टेंशन थी थोड़ी देर को, क्या आप जानना चाहते हो कि हम इतनी जल्दी इतनी भागम भाग भगड़ 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 क्यों कर रहे थे? हमने वहाँ पर शो के बाद खाना भी नहीं खाया, ऐसा क्यों? वेट एंड वॉच। तो ये देखो नंदरानी खा रही है गरम गरम टिक्की, हम खड़े हैं पार्किंग में। जी हाँ, हम सारे काम काज वहाँ ने बैठ के जल्दी से भाग के इसलिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक स्पेशल टिक्की आती है, फाइनली हम आपको बता रहे हैं, ये टिक्की सिर्फ 9 बजे से पहले पहले मिलती है ना, बहुत यम्मी टिक्की है, फाइनली आपको पता चल गया। Wait a minute, who are you? और आपको ये पता लगा होगा कि मेरे को मजाक करने की बड़ी गंदी आदत है। वेट एंड वॉच। आप देखना चाहते थे कि मैं जल्दी क्यों आया? चलो मैं आपको दिखाता हूं कि हमें जल्दी क्यों आना था।
तो जी हाँ, भगवान का बहुत 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 धन्यवाद, माधवास ने आज एक दिन में दो शोज किए हैं। ओफ, टांगे महसूस नहीं हो रही है इस वक्त और पूरा शरीर नंब हो चुका है, इतना ज्यादा थक गए हैं। पर ठाकुर जी ने हमारी आज लाज रख ली, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलते हुए। लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। सॉरी, देखो थके हुए चेहरे ये थके होने के साथ टेंशन वाले भी थे क्योंकि इनके ऊपर सारा प्रेशर था। हाँ जी प्रभु जी, कैसा रहा? बहुत मजेदार, इस सेंटेंस से भरा था। एक दिन में तीन शोज कर सकते हैं। हमने आज क्लाइंट को बताया नहीं था, अब वो ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद उनको पता लगेगा। और वो इतने इतने ज्यादा प्यारे हैं कि वो देख के वीडियो हंस पड़ेंगे कि उनको पता लगेगा कि हम सुबह नागपुर में थे और शाम को हमने उनके यहाँ वृंदावन शो किया। अगर उनको हम पहले बताते ना कि हमने नागपुर से वृंदावन आना है तो जो हमारी हालत थी ना वो खड़ी खड़े उनकी यहाँ हालत होती थी, क्योंकि वो उनकी वाइफ दोनों बहुत क्यूट है, दोनों से मिले थे और दोनों की हालत ऐसी होती प्रभु जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये वीडियो देख के मालूम पड़ेगा। पर जो भी हुआ ठाकुर जी ने कमाल कर दिया। चाहते थे कि हम उनके वहाँ इवनिंग में प्रोग्राम करें बट हमने उनको बता दिया हम ऑलरेडी बुक है, तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट उन्होंने सुबह का करवाया, वो भी अर्ली मॉर्निंग का। पूरे गेस्ट उनके ऑलरेडी थके हुए थे गेस्ट, लेकिन सभी के सभी आए। थैंक यू सो मच टू देम आल्सो। आज तो धमाल पूरा दिन। मेरे फादर किया करते थे एक दिन में दो शोज, बड़ी डिजायर थी मैं बापू की तरह एक दिन में दो शोज करने हैं। वृंदावन में क्या नहीं पूरा होता, आप भी सोचेंगे एक दिन में दो दो शोज करने की क्या जरूरत है। वेल, बहुत जरूरत है, जब तक ये शरीर भगवान ने दिया भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं और जितने ज्यादा शोज हो चुके जितने कर सकते हैं करेंगे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल दो शोज का मतलब लगभग 7-8 लाख रूपए वो जाएंगे डायरेक्ट गौशाला में। जल्द से जल्द गौशाला तैयार हो, ये हमारा मोटिव है। थैंक यू सो मच कृष्णा, आपकी वजह से हमारे दो शोज कर पाए गौ माता के लिए। जय गौ माता। थैंक यू सो मच, वी आर सो हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग व्लॉग, आई होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू क्रैश ऑन द बेड। हरी बोल।